नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है इस परिवार में। बच्चों, बहुत लंबे समय से आप प्रतीक्षा करते आ रहे हो, लगभग एक साल से ऊपर का समय हो गया है। राजस्थान में नई भर्तियां आए हुए, क्योंकि लगातार दो आचार संहिताएं आप देखते आ रहे हो। पहले विधानसभा के चुनाव थे, फिर लोकसभा के चुनाव थे, सरकारें भी अपने कार्य में लगी हुई थी, उन्हें भी चुनाव जीतना था, उन्हें भी अपने एग्जाम्स देने थे, उनमें पास होना था, और कोई पास हुआ कोई फेल हुआ, और जो पास हुए उन्होंने सरकार बनाई। अब नंबर है आपका, और जो सरकार बनी है उन्होंने आप युवाओं के लिए साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बेटा चिंता छोड़ो, तैयारी करो, सरकार जल्द बहुत वैकेंसी लाने वाली है। अब बहुत का मतलब यह है कि लगभग हर डिपार्टमेंट में आपको राजस्थान में भर्तियां मिलने वाली है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और भी है, वो स्टेटमेंट यह है कि लगभग हर माह राजस्थान सरकार युवाओं को एक भर्ती का तोहफा देगी। हर महीने कोई ना कोई भर्ती निकालेगी, वो भर्ती छोटी भी हो सकती है, वो भर्ती बड़ी भी हो सकती है। और ये जो भर्तियां होने वाली हैं, इनमें आपको शिक्षक भर्ती से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक की लगभग हर सेक्टर हर फैक्टर में भर्तियां देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब साफ शब्दों में ये है कि यदि राजस्थान के युवाओं को अब यदि नौकरी लगना है, ईमानदारी के साथ उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक ही रास्ता है आपके साथ, और वो रास्ता है मेहनत का। तो मेहनत करनी है तो आप जुट जाइए। अब मेहनत कहां से करें, कैसे करें, उन सब बातों पे बाप से बात करता हूं। सुनना ध्यान से, पूरी बात सुनना कि वास्तव में मैं मेहनत कहां से करूं, कितना कोचिंग करूं, सेल्फ स्टडी करूं, क्या किताबें पढ़ूं या कोई नोट्स पढ़ूं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, उन सबको लेकर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपके जहन में हमेशा ही ये शब्द रहता था या रहता है कि साहब वैकेंसियां तो है ही नहीं, तैयारी किसकी करें। तो बेटा वैकेंसियां तो आ जाएंगी और वैकेंसियां चली भी जाएंगी, और तैयारी करने वाले अपने काम पे लगे रहते हैं, वो इस चीज का इंतजार नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं तैयार हूं, अब जब भी आएगी तब तक मैं अपनी तैयारी को और मजबूत करूंगा, उसको और अच्छे लेवल पे मैं उसको मेंटेन करूंगा, ताकि सबसे अच्छे अंक प्राप्त करे और मैं अपनी सफलता क्या जो सीढ़ी है उसको बुन सकूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो सब खेल है मेहनत का, यदि आपको सफल होना है तो। अब सुनो किस किस फैक्टर सेक्टर में मिलेंगी, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि भविष्य में संभावित जो वैकेंसियां हैं वो कौन सी रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं कि भैया यदि आप राजस्थान स्टेट लेवल पर यदि तैयारी कर रहे हो, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कॉमन हैं, उनको तो आपको तैयार रखना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ राजस्थान में विविध और करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये आपके लिए कोई भी भर्ती आए चाहे राजस्थान स्टेट लेवल की, उसके लिए आपके ये सब्जेक्ट यदि मजबूत हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता की लाइन में या होड़ में या उस दौड़ में हो। और यदि आप सोच रहे हो कि जिस दिन वैकेंसी आए फिर मैं तैयारी शुरू करूं, मैं किताबें कर दूं, मैं 2-4 हजार रुपए का खर्चा करूं, तो देखो समय निकलते टाइम नहीं लगता है। और ये जो कंपटीशन की तैयारी है ये कोई दिन दो दिन महीने दो महीने 6 महीने की नहीं है, ये एक लगातार सतत मेहनत का परिणाम है। आप देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, यदि उनको डिफीट करना है, उनसे कंपटीशन करना है,
तो फिर आपको भी तैयारी में जुट जाना होगा और वैकेंसी आप बहुत जल्द आने वाली हैं आपके सामने। तो मैं इतना सा कहूंगा कि अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी पे अच्छा ध्यान दो, सेल्फ स्टडी पे अच्छा ध्यान दो। सेल्फ स्टडी का जो समय है ना, मैं साफ बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी का जो समय है ना वो बढ़ाओ, जितना हो सके आप खुद से पढ़ो, ठीक है। अब देखो कोचिंग संस्थान है, ये वास्तव में क्या होता है कि माध्यम होता है, ठीक है। इस माध्यम को जिस विद्यार्थी ने यदि नहीं अपनाया या जिसने एक बार कोचिंग कर ली है लेकिन उसको उस समय तक यही समझ में नहीं आता कि कोचिंग में पढ़ना कैसे है, कोचिंग के साथ साथ अपने आप को मेंटेन कैसे रखना होता है, तो मैं जरूर कहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी को एक बार जरूर कोचिंग का रास्ता अपनाना चाहिए। देखो यदि 100 विद्यार्थी तैयारी कर रहे ना, उनमें से देखो मैं नहीं कहता हूं कि 2% विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि यदि वो कोचिंग नहीं भी जाएं और उसकी वो सेल्फ स्टडी करें लेकिन एक अच्छे और मजबूती के साथ करें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या केवल 2% ही होती है। अब देखो सफल होने वाले 2 में से पीछे बचते हैं 98% विद्यार्थी। जो सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक माध्यम को चुनते हैं, यार उस माध्यम के साथ मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मुझे मार्गदर्शन मिले, कुछ नया कंटेंट मिले, कुछ मैं सोच रहा हूं, कुछ कोचिंग संस्थान वाला सोच रहा है, कुछ टीचर सोच रहे हैं। जब सबका एक समन्वित भाव मेरे सामने आएगा तो हो सकता है मैं और बेहतर कर जाऊं, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं, क्लियर है। तो वो माध्यम तराशते हैं और पहली दूसरी बार यदि लाइन में है तो बच्चे को एक बार माध्यम तलाश लेना चाहिए, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों को निश्चित रूप से एक बार इस माध्यम कोचिंग संस्थान, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसके माध्यम से जुट के पढ़ना चाहिए। चलो ये बात हो गई है। तीसरी बात ये है बच्चों के ऐसे विद्यार्थी जो माध्यम को बहुत बार अपना चुके हैं सफल नहीं हो रहे, वो अपने रूटीन को बनाए रखने के लिए भी कोचिंग संस्थान चले जाते हैं ताकि मेरी रेगुलरिटी बनी रहे, मैं और ज्यादा अपडेट और अपग्रेड हो सकूं, उसके लिए भी चले जाते हैं। लेकिन �से विद्यार्थी जिन्होंने कम से कम 2 या इससे ज्यादा बार कोचिंग कर ली है तो मैं उनको यही कहता हूं कि वो सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है। और यदि उनको और बेहतरीन करना है तो वो कोई छोटा इधर उधर से देख ले, कहीं से भी जहां से उसको अच्छा लगे वो अपना एक कोर्स लेके भी बैठ सकता है। हालांकि ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि जज्बा है, यदि हिम्मत है, यदि कुछ करने की तमन्ना है तो उसके लिए वो बहुत इजी भी चीज हो जाती है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जो भी है तो आप माध्यम से या सेल्फ स्टडी से किसी भी तरह से अपनी तैयारी पे जुट जाओ, क्लियर है। अब देखो गुरु क्लासेस जयपुर है, ये मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल है, ये भी आपको कुछ देना चाहता है, आपके इस सफलता में अपनी भागीदारी जोड़ना चाहता है। अब सुनो बच्चों, हमारे पास 2 मार्ग हैं। नंबर 1 यूट्यूब, नंबर 2 एप्लीकेशन। गुरु क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से जुड़ेंगे। यूट्यूब पर आपको कुछ क्लासेज भी मिलेंगी, फ्री क्लासेज भी मिलेंगी, कुछ क्वेश्चन सेशन भी आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ देखो ये बिल्कुल 100% फ्री। एप्लीकेशन पर हमारा काम है वो पेड है, सीधे शब्दों में कोई घुमा फिरा की बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम एक नाम मात्र के शुल्क के साथ, जैसे आपने पढ़ा था साफ साफ शब्दों में स्टेटमेंट आया है राजस्व मंडल बोर्ड, तो जाहिर सी बात है आरपीएससी भी उसको फॉलो करेगी। मैं कहूं कि आरपीएससी और राजस्थान में जो भी एग्जाम कराने वाली, कंडक्ट कराने वाली जो भी एजेंसी है वो इस बात को फॉलो करेंगी कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के नए जिलों को इंक्लूड करते हुए उनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार अच्छी तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के बैचेज लाए जा रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, कल्चर का भी मिलेगा, साथ साथ आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। हम ज्यादा नहीं,
कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 99 से लेकर 499 के बीच में मिलेंगे। 99 रुपए में भी हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट दे रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मैंने तैयारी कर ली, बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। भाई मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं कि दुनिया कितनी तेज दौड़ रही है। जब मैं उनसे कंपटीशन करूंगा, उनके साथ ग्राउंड में उतरूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है और लोगों की तैयारी कितनी है। इसके लिए देखो, इसी एप्लीकेशन पर आपको आगामी भर्तियों के जितने भी होने वाले टेस्ट पेपर हैं, उनके मॉडल टेस्ट हैं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल मॉक टेस्ट हूबहू एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम पैटर्न पर होगा, फॉलो करेंगे हर चीज को और उसी आधार पर, ताकि आप इस लेवल तक सेटिस्फाइड हो जाएं अपने आप के साथ कि हाँ अब मैं निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी के साथ और सफलता या मैं कॉम्पिटिशन की लाइन में हूं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको टेस्ट पेपर भी देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये टेस्ट पेपर में एक तो फुल लेंथी टेस्ट होगा संपूर्ण, इसके अलावा आपको टॉपिक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे ज्योग्राफी के आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के सामान्य परिचय, भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मृदा, हर के आपको टॉपिक्स वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके लिए यहां हम जाल बुन रहे हैं, ताकि उसके अंतर्गत मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम फंसा के और आपके सामने उपलब्ध करवा दें। ये क्वेश्चंस का जाल है बेटा, जिसमें हम भावी एग्जाम्स में होने वाले क्वेश्चंस की पूरी रूपरेखा बनाएंगे कि यार एग्जामिनर कितना सोच सकता। देखो इतने साल से हम भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस अनुभव को साथ लेके चलेंगे कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है, कहां तक सोच सकता है, कितना सोच सकता है, पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन बना सकता है, किस किस भाषा में बना सकता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यहां पर हर चीज मिलने वाली है, पढ़ाई से लेकर प्रैक्टिस तक की, और साथ ही साथ कोशिश भी करेंगे आगे कुछ नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को घर बैठे सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, वो निश्चित रूप से गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर आए। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है, ये आप ही का परिवार है, और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से आपके साथ श्रद्धा भाव से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक सेवा क्षेत्र का विषय है, तो ये भी हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।